हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं बता रही हूं आपको कि घर पर ही आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं बिना किसी ट्यूशन के। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये मेरी बेटी अपना स्कूल का होमवर्क कर रही है और उसको मैंने किसी चीज़ का ट्यूशन भी नहीं लगा रखा है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो स्कूल का एक तो सबसे पहले आपको होमवर्क कराना होता है। अगर आप होमवर्क करा लेंगे तो उसके बाद क्या करना होगा कि जो होमवर्क में बच्चे ने किया है आप उसको समझाइए कि है क्या ये। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी बेटी लिख रही है यूज़ ए और एन इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ए और एन उसको ब्लैंक करना है अपनी ये बुक में से देखकर। और यहाँ पर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर ए लिखना है कहाँ पर एन लिखना है, क्योंकि उसे मैंने समझा दिया है कि ए कहाँ पर यूज़ होता है और एन कहाँ पर यूज़ होता है। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह समझाते समझाते ए और एन या कोई भी उनका जो भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, पहले आप उसे अच्छे से समझा दीजिए, फिर उसके बाद उन्हें लिखने के दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए मैं इसमें पहले से ही भर देती सारा कि ए यहाँ पर आएगा एन यहाँ पर आएगा तो उसे क्या समझ में आता। अब मैंने कुछ भी नहीं भर रखा है, वो अपनी अकल से ही इसमें देख देख कर कॉपी में भरेगी कि ए कहाँ पर आएगा और एन कहाँ पर आएगा। इससे क्या होगा, बच्चे की मजबूत हो जाएगा ए और एन। तो इसी तरीके से आप अपने सामने ही अपने बच्चों को वर्क कराइए। और मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा बेटा भी अपने स्कूल का वर्क कर रहा है और देखिए सामने ही मैं अपने पढ़ाती हूँ दोनों बच्चों को। और यहाँ पर मैंने देखिए उसके सामने मिल्क ला कर भी रख दिया है। और आप देख सकते हैं कि आप इनके साथ साथ अपने घर का भी आप काम निपटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप घर का काम नहीं निपटा सकते। हाँ, बस आपको पढ़ाने में ये ध्यान रखना है कि आप ना तो किसी मोबाइल में लगे हों ना किसी के साथ बातों में ज़्यादा लगे हों, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। और बल्कि आप अपने सामने ही अपने बच्चों को पढ़ाइए और उन पर नज़र रखिए, अपना भी काम करते रहिए शाम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी वो इसको लर्न करेगी, एक टॉपिक है साइंस का, इसको लर्न करेगी वर्ड ऑफ बर्ड। तो इसको लर्न कराने के लिए ये देखिए उसने लिख तो रखा है और मैम से अपना चेक भी करा रखा है, लेकिन एक बार एक ड्यूटी ये बनती है कि हमें भी इसको चेक करना होता है कि हो सकता है क्योंकि मैम के पास बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, कोई मिस्टेक ना रह जाए और बच्चा कोई गलत याद ना कर ले। तो एक बार खुद भी आप इसको देख सकते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को कि ये है कहाँ ये चैप्टर, तो आपकी बुक में ये चैप्टर है वर्ड ऑफ वर्ड्स का, ये चैप्टर है। आप इस चैप्टर को पहले खुद भी समझाइए, क्योंकि क्लास में बच्चा समझ कर आता है तो हो सकता है कुछ बातें मैम की समझ में आई हो, कुछ ना समझ में आई हो। तब आप क्या करें, या तो उसे समझ में आ गया हो तो आप बच्चे से इस पूरे चैप्टर के बारे में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तरफ से उसे पहले समझाइए फिर उसे याद करने के दीजिए। आप बिल्कुल भी रटवाइए मत, केवल आप उसे समझाइए। अगर बच्चे को अच्छे से समझ में आता है तब वो उसे रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आंसर इसका कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल रटवाने पर जोर मत दीजिए, हर चैप्टर को समझाइए। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन आंसर आए और आपने वही क्वेश्चन आंसर बच्चों को रटा दिए। इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैम छुड़वा देती हैं बीच बीच में, वो भी आप समझाइए अच्छे से होता क्या है जो चीज़ है, कि इससे क्या होता है बच्चे की एक जनरल नॉलेज ही बढ़ती है। खाली रटने पर आपको बच्चों को फोकस नहीं करवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो। कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह से मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।